कंपार्टमेंट, इतने प्रॉमिस, इतनी मूवमेंट्स, इतनी स्टोरी, इतने स्नैप, इतनी वीडियो, इन सब का अंत यहाँ होता है क्या? आगे दिस चीज थिंग इसको हम सब प्यार से ब्रेकअप कहते हैं। सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे को ये बता। मैंने बोला था अगर ये चीज करनी हो तो प्लीज मुझे मत बुलाइए। मैंने बोला था थी तेरी मेरी दूरियां मैं तेरी हो, सब पहले शिवानी फिर मेरी मम्मी है, उसके बाद मुझे जितने ट्राई मिलेंगे मैं करूंगा, मैं उधारने के लिए कुछ भी करूंगा, मुझे तेरे साथ रहना। मैं कितने ट्राई कर सकता करूंगा, जब तक मेरे अंदर दम है ना मैं ट्राई करता रहूंगा यार। तू ट्राई करता रह बस, अब मेरे को मत। मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तनु समझावा के तो गाइस रूपल मान नहीं रही है, तो अर्शु को मैं लेके आया हूँ, वो मेरा कहीं तरीके से फ़ोन नहीं उठा रही है। अब अर्शु ही है जो कुछ कर सकता है, प्लीज़ अर्शु कुछ कर दे। कहीं नहीं कुछ कर रहा, हर सोच रहा हूँ कुछ कर दे। तो अर्शु ने बुलाया है रूपल को, क्योंकि मेरे से तो आने से रही ना घर वाले ना किसी का फ़ोन नहीं लगता, मैं हर तरफ से ब्लॉक हूँ, एकमात्र अर्शु बचा, यही कर सकता है। सोचना पड़ेगा ना, तभी मैं सोच रहा हूँ। बाकी आप वीडियो देखो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और चलो शुरू करो। अक्सर चूतिया पीछे से आते हैं अक्सर चूतिया पीछे से आते हैं। यहाँ कोपचे में तू बुलाया, मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, सीधे को छोड़ रहा है क्या? कोपचा है क्या? कोपचे में आ गया क्या? सही बात, ठीक है। आप क्या कुछ ये बताइए, बाकी कोपचा क्या होता है उसकी व्याख्या करें। कोपचा कोई गुप्त जगह, यू नो, थोड़ी सी। तो ये एनएसपी के पार्क में हो गया, आसमान के नीचे अलग जगह, ये कहां से जगह है, कहां से? हाउ कैन यू थिंक दिस इज अ डिफरेंट प्लेस? हाउ कैन यू से दिस इज अ डिफरेंट प्लेस? तो देखो भाई, देखो सारी जगह पे पब्लिक बैठी है, तू अलग से इधर आके बैठी है। हां तो अरे यार, जहां पब्लिक बैठी है तो वहां पर पर्सनल टॉक्स, इंपॉर्टेंट टॉक्स नहीं हो सकते। अगर आपको कुछ बहन भाइयों में भी पर्सनल टॉक होती है, होती है हाँ, पापा से पैसे मैंने 500 रुपए चुराए, तू मत बती होती पर्सनल हाँ, तो वही सिंपल है। सो क्या चल रहा है? नहीं यार, मैं 5,000 चुकाऊंगा, छोटी सोच नहीं है ना, तो चुका ही गए जब नाम आ चुका ही गए तो ज़्यादा चुकाओ। 60-40 करेगा तो बताऊँ? नहीं, मैंने तेरे पापा से नहीं चुकाना पा। कोई बात नहीं, तेरे पापा मेरे पापा नहीं लगेंगे, तो बता दो। मेरे पापा तेरे पापा कैसे बनेंगे? तुम जो बैंड बताया ना, तो तेरे पापा मेरे पापा तुम्हें लगेंगे जैसे जैसे आई थिंक। अच्छा सारी बात बता, क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मैं क्यों शुरू हूं? कोई सीधा का है? हां, सीधा इज ऑन हाउ वे आई थिंक वो आई होगी। ऊपर को समझाना चाहिए कि देख हमारा प्यार कितना ज़्यादा है। तो नहीं, मैंने कहा नहीं, इसको लेके जाऊँगा तो कुछ हो ही नहीं। गुलाबी दुनिया तुमने मैं गुलाबी दुनिया में जी तो वो बहन डिलीट चैट मुझे पता है, तुमने किसके चैट डिलीट की तुम जानी, और जिसने मैसेज किया वो मर जाएंगे हम, मगर दूर तुमसे हो गए आवाज तो। गुबार्डन, इतने प्रॉमिस, इतनी मूवमेंट्स, इतनी स्टोरी, इतने स्नैप, इतनी वीडियो, इन सब का अंत यहाँ होता है क्या? आगे दिस चीज थिंग इसको हम सब प्यार से ब्रेकअप कहते हैं। यार से ब्रेकअप कहेंगे वो क्या बैंड से ये ब्रेकअप मेरे को यार क्यों समझा रहे लग रहा है तू इसको क्यों नहीं समझाता कि नहीं 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 उसने तो नहीं भेजा उसने नहीं अगर तूने उसने यहां देख मेरा काम है दो पार्टी को समझाना एक पार्टी को मैं समझा चुका दूसरी पार्टी को समझाने के लिए बैठा देख मैं उसको लेके ना फोटो ना फोटो वो जैसे नहीं होता प्रोसेसिव जो भी होता है ठीक है वो बोल रहा थी तो ना मैं नहीं देख सकती उसको किसी और के साथ और वो भी नहीं देख सकता लेकिन फिर भी वो चीज वो हरकतें कर रहा है तो भाई मैं नहीं रह सकती ना ऐसे बंदे के साथ जो एज अ फ्रेंड किसी
किसी के हाथ पे किस कर। तू अगर सीजा को लेकर है ना तो सीजा किसी को हक भी करेगी तो भी तुझे प्रॉब्लम होगी। और जब वो मुझे टोकता है कि तू पर ये चीज़ मत करेगा, वो चीज़ मत करेगा, और खुद वो चीज़ करे तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? देख तेरा कहना ना सही है, और वो समय क्या जो बदलता नहीं, ठीक है? तो अब तुम्हारे जो तुम लोगों के कहने पे मैंने उसे 3 चांस ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है? पहले नहीं, मैं जानना चाहता हूँ हम यहाँ पे क्या मारियो खेल गए क्या? तुम्हारे पास 3 जीवन है, तुम 3 जीवन मर गए तो तुम मर गए भाई, ऐसा नहीं होता। जो प्रॉमिस किया उसको निभाओ। हाँ तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में ना ऐसी चीजें नहीं होती है भाई। प्रैक्टिकल जीवन में होता है। हाँ मतलब ठीक है, तेरे को चलेगा कि तू किसी और को किस कर रहा है, लेकिन सीधा किसी और को किस कर रही है वो तेरे को नहीं चलेगा वो, ना वो मैटर अलग है। मतलब तुम्हें चले चले डिस्पाइट द सिचुएशन है कि किस किसको कही जा रही है वो भी तो मैटर करता है। अच्छा मतलब फ्रेंड्स को किस करना हग करना नॉर्मल है पर किस कभी क्या वो भी तो मैटर। अपने होने वाले बॉयफ्रेंड से सामने सामने बात करोगी नहीं कहीं? एक बार खुले विचारों से बात कर, ये मत सोच के उसने किसी को किस किया यार क्या? मैं यार सिर्फ इतना सोच, इतना सोच किस मत सोच, ये सोच के हाँ उसने गलती करी है, उस गलती को क्या करना है, ठीक है? बस इतना सोच और फिर बात कर। मुझे वो पीटर फाइटर क्या होता है देख, मैं सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना ते आओ बैठ। तू कहा था ना मैंने देख मैंने क्या बोला सिर्फ ये सोच के बात कर कि हाँ उसने गलती करी, ये मत सोच के वो गलती किस थी क्या थी किसको करी, ये सोच मत, सिर्फ कर सोच के गलती करी। ऑलरेडी कर चुके हैं बात यार, इस बात पे कितनी बार और बात करनी है तुझे? सॉरी ना मैं कह रही हूँ हम लोगों ने इतनी बार बात कर लिया लेकिन देखो अभी भी बात करनी है मुझे, वापस आने थे साथ। यानी तेरे बिना मन यार नहीं मुझे लगता नहीं आना ना शिवम, तू समझ क्यों नहीं रहा है? क्या कर दिया भाई मुझे? वो गलती ना छोटी नहीं लग रही, मुझे बहुत बड़ी गलती लग रही है, ठीक है? अब मुझे नहीं पता तेरा माइंडसेट क्या है, मेरा माइंडसेट यही है कि तूने बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी, ठीक है? बस और इस बात को मैं यही एंड करना चाह रही हूं। देखो कितनी बार बोल दिया हर्ष ने, मैंने बोला था अगर ये चीज करनी हो तो प्लीज मुझे मत बुलाइए। मैंने बोला तेरी मेरी दूरियां मैं तेरी हो उसके बाद आगे प्रयास करोगे तो कुछ चांस है, वो डेट बता दे हम उस डेट के बाद आ जाएंगे, 2 दिन बाद आ जाएंगे। क्या क्या करना चाह रहा है तू, क्यों इतनी बकवासबाजी करता है? खाना बनाए तो उसको साथ तुमको बात करो, ठीक है? मैं चाहता हूँ तुम लोग पर्सनल में बात करो, ठीक है? ताकि तुम लोगों के बीच की जो बात हो तब तुम करो बात पर्सनल में, ना वहाँ हो तो मुझे बुला। माफ कर तू एक ही चीज को रिपीट करो और मैं भी एक ही चीज को रिपीट कर रही हूँ, तू कह रहा माफ कर दो, मैं कह रही नहीं करूँगी। मैं तो कह रही मैंने तेको माफ किया, जा जो तुझे करना है तेको, जैसे तेरे को अपनी लाइफ स्टाइल चाहिए तू वैसे रह, बट मेरे साथ मत रह, मुझे नहीं रहना है ऐसे बंदे के साथ भाई। नहीं है मेरी, मैं मेरा माइंड सेट ऐसा नहीं है कि मैं तब पहले शिवानी फिर मेरी मम्मी हैं उसके बाद मुझे जितने ट्राई मिलेंगे मैं करूंगा, मैं उधारने के लिए कुछ भी करूंगा, मुझे तेरे साथ रहना, मैं कितने ट्राई कर सकता करूंगा, जब तक मेरे अंदर दम है ना मैं ट्राई करता रहूंगा। यार तू ट्राई करता रह बस, अब मेरे को मत मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी मैं तनु समझा वो कहीं गई।
अबे भाई एक मिनट के चला के आया, तुम उसको भेज दिया हो गया ना पैच हो गया। चलिए नहीं जा करू ये भाई के आगे जुबा कैसे करूं।